नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू लीगल एड्स में। मैं हूँ एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPC के सेक्शन 325 की। 325 के दोस्तों, अगर लड़ाई झगड़े में कहीं हाथ पैर टूट जाए या कान का पर्दा फट जाए तो उस स्थिति में IPC की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। उस पर हमारे पास पूरा चालान है, 325 का, 323 का, 34 और IPC 506। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने 34 की बात की थी FIR की कॉपी के साथ। इसमें हम बात करेंगे 325 की, पूरे चालान की कॉपी के साथ। इसमें पहले एक बार हम जो कंप्लेनेंट है उसने जो दरखास्त दी है, ये 3 पेज की उसकी कंप्लेंट है जो उसने टाइप करा के दे रखी है, क्योंकि वो कुछ दिन बाद गया था लड़ाई झगड़ा होने के बाद। साथ के साथ उसने दरख्वास्त नहीं दी है, अगले दिन वकील साहब से डिस्कस करने के बाद तब वो कंप्लेंट दे के आया है, क्योंकि उसने पहले से इसमें दोषियों के नाम लिख रखे हैं, बता रखा है कि भाई 10-12 बदमाशों द्वारा जो टाइटल है, विषय है, उसमें कहता है कि दरखास्त बराए कानूनी कार्रवाई खिलाफ दोषी, नाम उसका यह है, रहने वाला यहाँ का है, वह अन्य बदमाश 10 से 12 बदमाशों के द्वारा मुझे प्रार्थी से नौकरी लगवाने की एवज में पैसे हड़पने व अपने पैसे वापस मांगने पर जबरन घर में घुसकर जानलेवा हमला करने व मारपीट करने बारे शिकायत। दोस्तों, इसमें ये कंप्लेंट का जो टाइटल है वो है, अब इसमें जो प्रार्थी, जो अपना शिकायतकर्ता कंप्लेंट है, वो अपनी थोड़ी सी इसमें कहानी बयान करता है, जो फैक्ट्स हैं वो लिखता है, तो उसका थोड़ा सा मैं नज़र डाल दूंगा। वैसे तो बहुत लंबी इसमें 3 पेज की बना रखी है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जिससे केस को समझने में आसानी हो कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ आम तौर पर जो घटना होती है उसको किस तरह थाने लेके जाता है, मेडिकल कराता है, कि आगे की कार्रवाई होती है। तो उसमें कहता है, मैं फलाना से फलाना पुत्र का रहने वाला हूँ और मैं निम्नलिखित निवेदन करता हूँ, यह कि मैं एक एल्युमिनियम की खिड़की दरवाजे लगाने का काम करता हूँ और मेहनत से अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पड़ोस में, यानी जिससे झगड़ा हुआ इसका पड़ोसी है, मेरे पड़ोस में रहने वाला एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, मैं दोस्तों नाम लेता आपको पता ही है, और जो मेरे पहले कुछ समय पहले मेरे पास आया और मुझे मेरी सरकारी नौकरी लगवाने के बजाय मुझसे बात करने लगा, कहा कि कब तक ये खिड़की एल्युमिनियम लगा के अपना गुजारा करता रहेगा, मैं फलाने डिपार्टमेंट में तैनात हूँ और मेरी अफसरों से काफ़ी जान पहचान है और मैं तेरे को क्लर्क, हेड क्लर्क की जो पोस्ट पर लगवा देता हूँ। यानी यहाँ से ये कहानी शुरू होती है, झगड़े की जड़ जो है, तो तू उसकी एवज में मुझे 2,80,000 रुपये कुछ दे दे, यानी 3 लाख रुपये करीब दे दे, और जब तेरी नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूँगा। वो भी चालाक था, पैसे भी हड़प लिए और लगे ना लगे, फिर कह दे मैंने तो आगे दे रखे, वहाँ दे रखे। तो प्रार्थी ने कहा कि इतने बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है, तो उसने कहा चल कोई बात नहीं, तू थोड़े कम दे दे, बकाया नौकरी लगने के बाद दे दियो। जिस दिन प्रार्थी ने कुछ समय बाद उसको 2 लाख रुपए नकद अपने घर पे दिए, पैसे की लिखित कॉपी मांगी, जिस पर दोषी ने कहा कि इतने पैसे कोई लिखित में नहीं होती, यह सब आपस में विश्वास पे होता है, जिससे प्रार्थी को विश्वास दिला दिया। लंबी चौड़ी इसने स्टोरी लिखी है। करीब 6 महीने फिर बीत गए, यानी इसमें पूरा एक्सप्लेन किया अपनी कहानी को। करीब 6 महीने बीत गए, नौकरी नहीं लगी, तो उसने कहा कि मेरे पैसे लौटा दो। दोस्तों, जो कहानी है मैं शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ आपको, उधर आजकल वो करके उसे गुमराह करता रहा। फिर 2018 में पैसे मांगने गया तो दोस्ती ने साथ गाली गलौज कर दी और कि तेरे कोई पैसा नहीं है और मेरे घर पैसे मांगने आया तो तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। यानी जिसने पैसे लिए थे उसने धमकी देनी शुरू कर दी, और तू पड़ोस का मामला था कि तू आया तो जान से मार दूंगा। अब यहाँ से घटना शुरू होती है।
अब जो ये कंप्लेनेंट है, अब मेन चीज यहां से लिखना शुरू करता है कि तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा, और प्रार्थी के साथ हाथापाई भी की। उसके बाद प्रार्थी काफी निराश हो गया। ठीक है जी, प्रार्थी ने रात के समय बियर भी पी और चुपचाप अपने घर जाकर खाना खाकर सो गया। तभी रात के समय करीब उपरोक्त दोषी ने अपने साथ 10 व्यवहार है जो टाइटल में लिखता है, अन्य बदमाशों को लेकर प्रार्थी के घर में जबरन घुस गया, और दोषियों ने अपने हाथों में लाठी डंडे व लोहे की रॉड, तेजधार हथियार व दोषी को ने अपने हाथों में देसी कट्टा भी लिया हुआ था। उसने हमला बोल दिया और बुरी तरह मारपीट की, जिससे प्रार्थी और उसके पिता बुरी तरह जख्मी हो गए। प्रार्थी की पत्नी गर्भवती है। दोषियों ने प्रार्थी की माँ के साथ भी पिटाई की और धमकाते हुए कहा कि यदि दोबारा मुझसे पैसे मांगने की बात की तो आज तो तुझे जिंदा छोड़ दिया, आगे से कतई खत्म खत्म कर देंगे, अगली बार जान से ही खत्म कर देंगे। अतः दोषियों के खिलाफ परिवार को जान से मारना खतरा बना हुआ है। दोषीगण द्वारा प्रार्थी के परिवार पर जानलेवा हमला कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि दोषियों घर, यानी जो कंप्लेनेंट है, वो धाराएं भी लिख के लाए हैं साथ में, ये नीचे देखिए आप, 323, 324, 325, 326, 307, 420, 506। अब इसी एप्लीकेशन में वकील साहब से भी गलती होगी टाइप कराते में। अब इसी एप्लीकेशन में कह रहे हैं कि भाई उन्होंने घर में जबरन घुस के हमला किया, वकील साहब 452 लगवाने से भूल गए। ठीक है, वो गलती हो जाती है। अब दोस्तों, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, पुलिस जो इसमें कार्रवाई करती है उसके जो है सेक्शन, वो सामने है 323, 324, सॉरी 325, 34, 506। अब ना तो इसमें 452 है, ना आम सेक्टर में हथियार की बात भी करते हैं, और इसमें कुछ इंजरी है उसके, कोई फ्रैक्चर है जिससे 325 में ऐड हुई है। अब इसमें जो बियर वाली बात लिखवा रखी है, अब इसमें जो केस जब हमने उसकी बेल कराई तो एक दिन का इसके अंदर नोटिस हुआ, बाकी जब हमने थोड़ी सी इसमें और गहराई में गई तो इसमें इससे पहले एक FIR और हो रखी थी। यानी इस लड़के ने, जिसने कंप्लेंट दी है, इसने जिसके से पैसे मांगता है उसके घर में घुस के उसके परिवार वालों के साथ, उसकी बहन बेटी साथ ने छेड़छाड़ की थी। यानी जो इसमें कंप्लेनेंट है, जिसको 325 और 24 का मुकदमा दर्ज हो रखा है, जिसके खिलाफ 323 का, उसने उसके ऊपर ऑलरेडी एक FIR हो रखी है 2 दिन पहले इन्हीं से। यानी उसने इनके ऊपर एक क्रॉस मुकदमा बनवाने के लिए इस तरह की दरखास्त दी पूरी डिजाइन करके। अब बियर की बात जो उसमें मेंशन करी, क्योंकि इसकी जो MLR रिपोर्ट है उसके अंदर अल्कोहल आ रखा है, लेकिन वकील साहब ने बड़ी चालाकी के साथ कि बियर पी के शांति से सो गया। लेकिन वो बियर पी के नहीं सोया था, थोड़ी कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन उसके जो चोट है वो बाइक से गिरने की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने दारू पी रखी थी। उसने उस चोट का, जो उसको एक्सीडेंट में लगी थी, उसका उसने क्रॉस बनवाने में इस्तेमाल करने की कोशिश करी, कामयाब हुआ। अब घर में घुसने की बात लिखी उसने, हथियार की बात लिखी, जब छानबीन हुई चोट तो लगी थी उसके, क्योंकि वो बाइक से दारू पी के गिर गया था। इसलिए एप्लीकेशन के अंदर बियर पीने की बात मेंशन कराई है। कोई बियर पीने की बात एप्लीकेशन मेंशन कराता है, क्योंकि मेडिकल के अंदर वो बात मेंशन है कि वो एल्कोहिक था, एल्कोहल उसके हाईली ड्रिंकिंग एल्कोहल मेंशन है MLR के अंदर, इसलिए उस एप्लीकेशन के अंदर बियर पीने की बात लिखवाई गई। दोस्तों, इसमें एक दिन का नोटिस होता है अक्यूज को और नेक्स्ट डे इसकी बेल लगाती है। दोस्तों, इसके अंदर अब हम अब सजा की जैसे बात करें, एक डिजाइन केस है। क्यों डिजाइन? इसलिए कि इसने जो कंप्लेनेंट है उसने अपने बचाव के लिए एक क्रॉस FIR कराने की कोशिश करी, जो उसके चोट लगी थी दारू पीने की वजह से, गिरने की वजह से, और उसने अपने पड़ोसियों पे इस मुकदमे को थोप दिया,
और वो उसमें 10-20% कामयाब भी हो गया कुछ सेक्शनों के साथ, क्योंकि जो MLR कटी हुई थी उसमें आ गया, यानी उसने इस चीज़ का फायदा उठा लिया। बाकी ट्रायल पेंडिंग है, जो होगा ट्रायल में पता लग जाएगा। दोस्तों 325 में अगर जो धारा है, अगर किसी का कान का पर्दा भी फट जाए तो उसमें भी धारा 325 के तहत ही मुकदमा दर्ज होता है। कान का पर्दा अगर फट जाता है तो 325 के तहत ही मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों अगर 325 में हम सजा की बात करें तो उसमें 7 साल तक के सजा का प्रावधान है। ये कॉन्जेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोस्तों बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।